आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आपके लिए लेके आए हैं बहुत बड़ा डिसीजन बाय गवर्नमेंट, और ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं अपने चैनल पर एक्सक्लूसिव। तीन बड़े शेयर की बात करेंगे, इन तीनों शेयर को कभी मत बेचना दोस्तों। अगर हिंदुस्तान को ऊपर जाना है तो ये तीनों स्टॉक हिंदुस्तान को भविष्य को ऊपर लेके जाएंगे। तीनों अलग अलग सेक्शन के हैं, दो कॉमन है और एक गवर्नमेंट का स्पेशल लवली स्टॉक है। आइए चलकर बात करते हैं तीनों कंपनी के बारे में और क्या है ये रहस्य जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी खूब तूफान में चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर अगर हम बात करें, पाइपलाइन इज फ्लेक्सिबल, उसका मतलब है कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पाइपलाइन एज वी गो अलोंग, और प्रोजेक्ट और चैलेंजेस जो होंगे हर प्रोजेक्ट के वो देखे जाएंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉपिंग अ प्रोजेक्ट एंड पिकिंग अ न्यू वन आल्सो ऑन द लगा। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ये एक नया प्लान यहां से उजागर हो रहा है, जिसके चलते हुए काफी नए प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के द्वारा, चेयरमैनशिप के द्वारा, उनको आगे आने वाले समय में टास्क फोर्स बनाई जाएगी और वो देखेंगे और बताएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को फर्दर फंडिंग करना है, कौन सा स्टार प्रोजेक्ट बन रहा है उनके लिए और कौन से प्रोजेक्ट में उनको ड्रॉप आउट करना है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से यहां से गवर्नमेंट उसको बढ़िया काम देगी। अब देखिए, इन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू गिव अ प्रायोरिटी टॉप फॉर एनर्जी, रोड, अर्बन डेवलपमेंट एंड रेलवेज इन नेक्स्ट पांच ईयर। तो पांच सालों में जो अगला पंचवर्षीय योजना है उसमें डेफिनेटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तगड़ी काम चलेगा, और इसके लिए उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एनआईपी विद प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 102 लाख करोड़ का उद्घोषणा की है। इसके चलते हुए टाइमली इंप्लीमेंटेशन रहेगा जरूरी, और 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अगले पांच सालों में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए 3 लाख करोड़ और एडिट किए गए हैं उन्होंने, जो कि एक्सपेक्ट विद मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और नई नई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को उसमें ऐड किया जाएगा, जिसके चलते हुए ये तेजी का रुख रखेगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब इससे होगा क्या, देखिए इसके चलते हुए जो हमारे कनकॉर्ड प्रोजेक्ट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टेलविंड इनके पास रहेगी। कनकॉर्ड का शेयर काफी तेजी से ऊपर उठ रहा है, आने वाले समय में इनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से। अब अगर आज का भाव देखें शेयर का, तो शेयर मार्केट आज थोड़ा सा नरम रुख था। देखिए इंटरनेशनल मार्केट की वजह से गैप डाउन है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहां पर अगर हम निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, देखिए दोस्तों तो सेंसेक्स ने एक काफी बड़ा झटका खोला था। यहां पर खुला 51,450 के आसपास, बंद हुआ था कल, और खुलते के साथ ही इसने 50,800 का, पर एक डिप के बाद में एक काफी अच्छी रिकवरी दिखाई और 51,250 तक गया। उसके बाद थोड़ा सा डिप चल रहा है, अब यहां पर रिकवरी करने की कोशिश हो सकता है शाम को चलते चलते, ये एक अच्छा व्यू बनाए। और यहीं पर अगर कौन कौन शेयर को देखें तो क्या लाजवाब दे दिया, ये 577 पर खुला है और देखिए दिन का हाई बनाया है 642। ये ऐसा शेयर है दोस्तों, आप एक बार लेके डाल दीजिए और भूल जाइए, इसको कभी भी आपको अपने पोर्टफोलियो से निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यही चीज अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें इसका, तो देखिए लॉन्ग टर्म के चार्ट के बेसिस पर मोमेंटम है वॉल्यूम के साथ। अगर देखें यहां पर नवंबर के मंथ में 375 था, अभी यहां पर 619 के आसपास है, तो ये एक कंटिन्यूअसली इसने अप ट्रेंड बनाया हुआ है। अगर बुलिंदर बैंड को भी देखें तो बैंड काफी रिस्पेक्टेबल रेंज से निकल के आया है, जहां पर कंसोलिडेशन किया ऑलमोस्ट 2 महीने का और फिर यहां से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। काफी अच्छा मोमेंटम है जब से इसने 432 का लेवल खोल के 619 तक गया है। तो कनकॉर को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना है। अब चलकर दूसरी न्यूज के चलते हैं, तो देखिए दूसरी न्यूज के लिए हमारे चैनल का 5x5 रूल हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी वेल्थ प्रोडक्शन के काम आएगा। अब इसके साथ में अदानी ग्रुप के कंपनीज का भी काफी बड़ा नाम है, तो इन्होंने क्या है, अदानी पोर्ट की बात करें, वो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमी जोन APSEZ वेनेसडे को एक्वायरेशन किया है, 31% का स्टेक लिया है। विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट इन गंगावरम पोर्ट GPL फॉर रुपीज अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़। तो अब ये DVS राजू फैमिली प्रमोटर थे इसके, जिनके पास में 58% स्टेक था GPL में, अब द रिमेनिंग 10% स्टेक इज हेल्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसके चलते हुए यहां पर अदानी पोर्ट का शेयर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बताएं अदानी पोर्ट के लिए, देखिए यहां पर गौतम अदानी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना अच्छा है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। जो गंगावरम प्रोजेक्ट है विशाखापट्टनम, जिसको पहले कहा
के नाम से जिसको जाना जाता है, हैज अ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 64 मिलियन टन पर एनम। और यहां पर इन्होंने बल्क एंड ब्रेक बल्क कार्गो सच एज कोल, आयरन ओर, फर्टिलाइजर, लाइमस्टोन, बोटेक्स, रॉस शुगर एंड स्टील प्रोडक्ट, सब कुछ इसमें काम करते हैं। और इनके पास में वन फुल्ली मैकेनाइज्ड कोल बर्थ है जो कि 3 मल्टीपर्पज बर्थ के साथ में काम करता है। अगर रिवेन्यू ट्रेंड की बात करें तो रिवेन्यू ट्रेंड अप है 766 से 964 और इस ईयर में 1082 है। तो ये एक बहुत बढ़िया पहल है, इनके संयम की तारीफ करनी चाहिए, इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से किया है अपने पास पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अब अगर हम अदानी पोर्ट का शेयर देखें तो कंटिन्यूअसली अप मूवमेंट कर रहा है। अक्टूबर के महीने से एक बार सुपर ट्रेंड का ऊपर चला, 350 के आसपास से चढ़कर देखिए 750 हो गया है। इसने तो कनकोर को भी माफ कर दिया है, कनकोर का तो 600 के रेंज में चल रहा है, इसने 750 को क्रॉस कर दिया, डबल राइज रेट हो गया है इसका इतने समय में। तो यह भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है, यहां से आप राइट लेवल पर अपने सपोर्ट के लेवल पर जो हमने बताया 700 का और 645 का बहुत अच्छे सपोर्ट है, यहां पर अगर चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए। जिन्होंने खरीदा हुआ है कंटिन्यू टू होल्ड, ये एक लंबे रेस का घोड़ा है। और अदानी पोर्ट का अगर हम एलिगेटर इंडिकेटर को भी देखें तो देखिए क्या शानदार रिकवरी दिखाई है, कंटिन्यूअसली ग्रीन के कभी कभी नीचे आता है पर ब्लू को हमेशा रेस्पेक्ट किया है और यहां पर अभी तो गैप भी और बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रपोजिशन बन रही है इनकी यहां पर। इस तरह से अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में ये स्टॉक तेजी का रुख रखेंगे। देखिए ये ऑफिशियल धमाका न्यूज है, यहां पर बिग बूस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और गवर्नमेंट इनको फंड भी करेगी। कैसे फंड करेगी आइए समझाते हैं फंडिंग का क्या प्रोसेस चलेगा। ये तीसरा स्टॉक है। तो देखिए फाइनेंशियल गैप जो है यहां पर, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में प्राइवेट बैंक्स नहीं डालते हैं क्योंकि उसका जनरली 3 से 5 साल तक का टाइम रहता है जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इतना लंबा। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें Q1 या फिर Q2 में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसके लिए IFCI, IDBI, ICICI बैंक में अगर हम आज बात करेंगे यहां पर IFCI बैंक की, ये एक बहुत बढ़िया पोजीशन में है। यहां पर गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट फंड करते हैं और इसके चलते हुए ये आगे यहां से और भी तेजी का रुख रखेगा। तो हमारे हिसाब से आपको ये भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर हम IDFC, अगर हम IFCI का दिखाएं तो देखिए पिछले 5 दिनों से काफी अच्छी तेजी आ रही है, 9 रुपए के भाव से चढ़कर ये ऑलमोस्ट 13 रुपए तक चला गया था, अब थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, आज हो सकता है 11 रुपए 60 पैसे के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट बहुत बढ़िया है। अब अगर हम बात करें इन तीनों कंपनियों को, ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए और साथ ही साथ में इसको आप कम से कम 3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखिए। गवर्नमेंट अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रा फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो हमारी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ नहीं होगी। यूएस, यूके क्यों इतने ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप गाड़ी से कहीं भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, आप वहां पर ट्रेन का बहुत अच्छा सहूलियत है, तो वो अभी इंडिया में बनने के लिए बहुत है। तीनों स्टॉक पे हमारा बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश व्यू है। आप इसको अपने 3 साल के लिए होल्ड रखिए, ये आपके लिए मल्टी बैगर बनके रखेगा, ये हमारी आपको सलाह है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप हमारी ट्रेडिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं 10,000 रुपए में। इसके साथ में आपको हमारे साथ 2 हफ्ते ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख के आसपास है तो एक बार हमें एक टाइम का मौका दीजिए, आपको लर्निंग भी मिलेगी और साथ ही साथ में आपको प्रॉफिट रनिंग को भी मिलेगा। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत